बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज रियल आंसर बेटा। आज हमने एक्सरसाइज 1.5, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। आज हमने उसी एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हमने सॉल्व करना है बेटा। 6 क्वेश्चन में क्या कहता है, शॉर्ट एट ए बी मल्टीपल का इनवर्स, ए बी के मल्टीपल का आप इनवर्स ले, वो इनवर्स भी मल्टीपल इनवर्स लेना है कि ए बी का आप इनवर्स ले वो इक्वल आएगा बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, और हमें ए एंड बी की वैल्यू उसने हमें गिवन कर दिया। अब क्या है बेटा हमारे पास बेटा क्वेश्चन दिया कहता है आप प्रूफ करेंगे ए बी का इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स मल्टीपल है ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम इसमें बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड टिक करेंगे ए बी का इनवर्स। अब ए बी का इनवर्स है बेटा, तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे इसमें बेटा जी। सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं, ए बी से मुराद बेटा ए बी का मतलब है कि मल्टीप्लाई करता है, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 4 4 -16 4+0 इसी तरह 4 2 -8 एंड 0 × 1 = 0 −−+4 1 4+ अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से ना −−+1 4 4 2 1 2 −++1 2 2 −2 तो बेटा ए भी हमारे पास वैल्यू आई −16 −8 6 0 ये तो हमने फाइंड किया बेटा ए भी। हमने क्या करना है इस ए बी का मल्टीपल इनवर्स फाइंड करना है। तो आपको पता है कि मल्टीपल इनवर्स फाइंड करने के लिए तो मल्टीपल इनवर्स का फॉर्मूला होता है बेटा कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए बी का डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी। ऐसे ही होता है ना बेटा जी कि ए बी का डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो इसी चीज को हम यूज करेंगे, सबसे पहले हम अपने ए बी का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं बेटा। डिटरमिनेंट के लिए −16 −8 6 0 बेटा डिटरमिनेंट लेते हैं डायगनल एंट्रीज, डायगनल एंट्रीज से मल्टीप्लाई नॉन डायगनल से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आता है +48 जो ≠ 0। तो क्या अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो फिर इसका मल्टीपल इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। तो अब हमने क्या करना है एडजॉइंट लेना बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी में बेटा क्या होता है कि डायगनल एंट्रीज की जगह चेंज, नॉन डायगनल इंक्रीज से साइन चेंज। तो जस्ट बेटा ए बी इनवर्स इक्वल टू 1/AB का डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपके पास आ गया बेटा ए बी का डिटरमिनेंट, जिसे हम फॉर्म इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ओके बेटा अब हमने क्या करना है राइट हैंड साइड बेटा जी, राइट हैंड साइड में हमारे पास है बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। तो सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड करते हैं बेटा, बी हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, तो बी इनवर्स का वही फॉर्मूला के बेटा जी 1/B का डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ बी। तो सबसे पहले बी का डिटरमिनेंट फाइंड करता हूं मैं बेटा जी के −4 1 −2 −1 डायगनल इंक्रीज से मल्टीप्लाई नेगेटिव नॉन डायगनल इंक्रीज मल्टीप्लाई, तो 4+2 = 6 एंड एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी में बेटा इन दोनों डायगनल इंक्रीज की जगह चेंज और नॉन डायगनल इंक्रीज के साइन चेंज, तो बी इनवर्स हमने फाइंड कर दिया बेटा 1/6 एंड −1 −1 2 and −4। उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ए का भी इनवर्स फाइंड करना है। ओके बेटा जी ए का इनवर्स फाइंड करते हैं हम, ए के इनवर्स के फॉर्मूला हमारे पास ए 1/A का डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट बेटा ए वैल्यू ये गिवन है 4 0 −1 and 2 मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 2 8 −0 = 8 जो ≠ 0 इसी तरह ज्वाइंट लेते हैं बेटा, मेरे पास ना स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां लिखू, आपने इस तरह नीचे लिखना है इसका ज्वाइंट ऑफ ए डायगनल इंक्रीज की जगह चेंज बेटा और नॉन डायग 0 के साथ माइनस ये लगाते हैं इसलिए ये वैल्यू। तो अब ए का इनवर्स हमने फाइंड कर दिया 1/ डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट। अब हमने क्या करना था, हमने फाइंड करना है बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। तो मैं क्या करता हूं बेटा, मैं यहां पे कर देता हूं बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। बी इनवर्स का फॉर्मूला 1/6
-1, -1, -2 and -4 मल्टीप्लाई ए इनवर्स 1/8 बेटा 2, 1, 0 and 4 बेटा रियल रियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। अभी जैसे डायरेक्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो -2 + 2 बेटा, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 + 8, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 - 4, इसी तरह ये 0 - 16 तो बेटा 1/48 एंड माइनस सॉरी बेटा ये 0 ये 8 -6 - 16 फ्रॉम सेकंड। अब आप नोट कर सकते हैं बेटा कि ये वाली फर्स्ट और ये सेकंड दोनों आपस में इक्वल, तो यहां बाय फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या करना था बेटा, उसने कहा था कि ए बी होल का इनवर्स इक्वल होगा बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। सबसे पहले हमने क्या किया, अपने ए बी को मल्टीप्लाई, ए बी को मल्टीप्लाई करवा के फिर ए बी का ज्वाइंट फाइंड किया, उसका ए बी का डिटरमिनेंट फाइंड किया, फिर उसका ज्वाइंट फाइंड किया और फिर वो वैल्यू बन गई। उसके बाद फिर पहले बी इनवर्स हमने फाइंड करना था, तो बी इनवर्स में सबसे पहले बी का डिटरमिनेंट, फिर बी का ज्वाइंट, फिर फार्मूले में वैल्यू पुट करके ये बी इनवर्स, फिर उसके बाद ए बी के ए का इनवर्स फाइंड करना था तो ए का डिटरमिनेंट, फिर ए का ज्वाइंट और फिर वो वैल्यू। अब फिर हमने इन्हें बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करा के फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल आ गई, तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके बेटा, ये आपके पास आपका लेक्चर नंबर 18 कम्प्लीट।